के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं देने के मामले में नागपुर की जिला सत्र न्यायालय ने निर्दोष बरी किया। इस बारे में देवेंद्र फडणवीस के वकील एडवोकेट देवेंद्र चव्हाण और उदय डबले ने जानकारी दी है। याचिकाकर्ता का आरोप था कि फडणवीस ने 2014 विधानसभा में अपने ऊपर विचाराधीन दो आपराधिक मुकदमों की जानकारी छिपाई थी। ये दो मुकदमे नागपुर के हैं, जिनमें एक मानहानि का और दूसरा ठगी का है। याचिका में फडणवीस को अयोग्य करार देने की मांग की गई थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके हलफनामे को लेकर जो याचिका दायर की गई थी उसको लेकर आज जो है न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया है। हमारे साथ जो वकील है उदय डबली, इनसे हम जानेंगे कि आज जो है न्यायालय द्वारा उनकी निर्दोष मुक्तता इस मामले में की गई है, क्या बताओ? आज माननीय न्यायालय ने श्री देवेंद्र जी फडणवीस इनको दोष मुक्त करार दिया है और निर्दोष करार देते हुए उनकी ये प्रकरण में से छुटका की है। 2014 में उनके शपथ पत्र में दो केसेस का जिक्र उन्होंने किया नहीं था, ऐसा उन पे आरोप था, उसके लिए ये केस आज तक चली। दोनों तरफ से अपने हमने गवाही पेश किया था, गवाहियों की गवाही सुनने के बाद, दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने आज फैसला देते हुए श्री देवेंद्र जी फडणवीस इनको दोष मुक्त करार दिया। आज देवेंद्र फडणवीस ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित थे, क्या बताना चाहोगे और ये जीत जो हुई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? माननीय देवेंद्र जी फडणवीस ये वकील भी है, उनको माननीय कोर्ट की पूरी प्रोसीजर मालूम है, तो जब वो ज्वाइन हुए तब और जब उन्होंने एक ज्वाइन हुए तब और जब फैसला आया तब उनको मालूम है, उन्होंने हाथ जोड़कर माननीय कोर्ट का अभिवादन किया, उनको धन्यवाद कहा और हमारे लिए भी ये बहुत खुशी की और अच्छा निर्णय है, हम इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। अदालत में सफाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एवं राजनीतिक लोगों के खिलाफ 100 मुकदमे रहते हैं, किसी मामले को चुनावी हलफनामे में ना देने पर कार्रवाई नहीं हो सकती। न्यायालय ने पूछा था कि जानकारी जानबूझकर छिपाई गई या फिर गलती से हुआ, इस मामले को क्यों ना ट्रायल के लिए भेजा जाए। जो वकील हैं, ये वकीलों ने कोर्ट की परजुरी की है क्योंकि इन्होंने अलग अलग डिफेंस लिया मेरे ऊपर, डबले जी के ऊपर में, यहाँ तक के अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी, इनके ऊपर भी आरोप लगाए गए कि इन्होंने ये जो डिफेंस लिया ये झूठा डिफेंस लिया, इनके खिलाफ परजुरी मानी जाए। इसमें भी कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि डिफेंस लेने के, हमने जो हाईकोर्ट के जजमेंट्स दिखाए थे उसको देखते हुए, कि डिफेंस लेने के तीन मौके होते हैं, वो तीन मौकों में से आखिरी मौका हमको मिलता है जब ट्रायल चालू होता है। ट्रायल लेते समय जो हमने डिफेंस लिया गया वही डिफेंस मान्य किया गया, इसलिए हमने कोई परजुरी की या जानबूझ के कोई चीज़ की ये चीज़ मानना गलत रहेगा और इसके आधार पर फिर कोर्ट ने उनको बरी किया। हमने हलफनामा जो दिया वो ये दिया गया था कि भैया हमारा छुपाने का कोई उद्देश्य नहीं था, 22 केसेस जो ज़्यादा गंभीर रूप के थे अगर वो दिखा सकते थे तो ये दो केसेस छुपाने का क्या कारण था? एविडेंस उनको लाना चाहिए था कि ये दो केस अगर ये दिखाते तो ये इलेक्शन पक्का हार जाते, लेकिन वो वैसा था ही नहीं कभी, इसलिए वो हलफनामा हमारे को जरूरी था बताना कि साहब हमारा उद्देश्य ही नहीं था, उसका काउंटर एविडेंस उन्होंने कुछ भी नहीं लाया। इस पूरे मामले में 9 साल के बाद देवेंद्र फडणवीस को न्यायालय ने निर्दोष बरी कर दिया है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।